हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 7वां चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा, उसी के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हम लोगों को जानना जो है फर्ज है। नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव बॉय एक से ज़्यादा पूछता है कि नहीं, तो ये जानते हैं। चैप्टर के नाम है ओ सदा नीरा, इसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। कैसे याद किए थे राइटर के नाम? तो नीरा, नीर मतलब पानी, आ पानी काची में हम लोग रखते हैं, जग में रखते हैं, यानी ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। आइए इनका जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? तो शाहजहांपुर यूपी में 16 जुलाई 1917 को हुआ, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो 14 मई 1978 को जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का जो है मृत्यु हो जाता है। जन्म कब हुआ? 1917 में। इससे वो प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1917 में, आ जगदीश चंद्र माथुर का जन्म भी हुआ 1917 में। इनका मृत्यु जो है 14 मई 1978 को हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था, आ शहर के नाम था शाहजहांपुर। शिक्षा के बारे में बात किए तो इन्होंने एमए किया था इंग्लिश से, इंग्लिश इनका ऑनर्स था, आ एमए किए थे। उसके बाद जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किए थे, याद रखिएगा, एमए किए थे इंग्लिश ऑनर्स से आ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आगे जो है इन्हें ऑल इंडिया रेडियो, ए से ऑल, आई से इंडिया, आर से रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जो है हिंदी के सलाहकार के पद पर काम भी किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है भारत सरकार का एगो मंत्री पद होता है, जिसमें जो है जगदीश चंद्र माथुर जो है हिंदी के सलाहकार के रूप में काम किए हैं। आगे आप जानेंगे कि इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है। तब विद्यावारिधि उपाधि से इन्हें जो है नवाजा गया है, यानी विद्यावारिधि का उपाधि जो है इन्हें दिया गया है। इन्हें कालिदास अवार्ड भी दिया गया है और इन्हें एक और सम्मान मिला था, बिहार राज्य भाषा सम्मान, ठीक है। तो ये भी सम्मान इन्हें मिला था। आगे इनकी कृतियाँ जो आपसे पूछेगा जो इम्पॉर्टेंट है कि भोर का तारा किसके, ये भोर का तारा जो है इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा 1946 में वो लिखे थे। उसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद बंदी 1954 में लिखे थे। बंदी मतलब कि वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, बंदी मतलब कैदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, परंपराशील नाटक जो है 1960 में लिखे, और बोलते क्षण, बोलते क्षण इनका किताब है, और क्या है किताब में जो नाटक है उसका संग्रह है, ठीक है। बोलते क्षण से ही लिया गया है ओ सदा नीरा। आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। एक वाउ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ओ सदा नीरा का है? तो ओ सदा नीरा जो है एकांकी है, ठीक है, ओ सदा नीरा एकांकी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या कहता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है बिहार राज्य, बिहार में जो है एगो चंपारण है, ठीक है, चंपारण जिला के आप नाम सुने होंगे, पश्चिमी चंपारण, उसी के बारे में जो है ये पूरा चैप्टर बताया गया है कि पहले चंपारण कैसा था, उसके बाद अब चंपारण कैसा था, कैसा है, और उसमें क्या क्या पहले था और अब क्या क्या नहीं है, इसी चैप्टर में जो है बताया गया है। आइए शुरू से जानते हैं। लेखक जो है कहता है कि बिहार के एगो पश्चिम में जो है चंपारण क्षेत्र है,
जो पहले जो है घना जंगल से भरा हुआ था, यहाँ पे वो गंडक नदी थी जो बहुत सुहानी लगती थी, बहुत दूर दूर तक जंगल था जो प्रकृति की एक बहुत बड़ी सुंदरता को जो है दर्शाती थी, चंपारण क्षेत्र। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे समय बीतता गया और धीरे धीरे जो है ये जंगल कटते गए, जितने भी वन थे कटते गए, नदियाँ जो है सूखती गई और चंपारण जो है पहले के जैसा चंपारण नहीं रहा। आगे कहते हैं कि आपको 62 की बाढ़ याद होगी, 1962 की बाढ़ याद होगी, ऐसी बाढ़ जैसे कि रामायण में कैकेयी जब खिसियाई थी तो किसको जो है राम को जंगल में भेज दी थी, उसी प्रकार 1962 में जो है वो बाढ़ आया था जो पूरा जो है तबाही मचा के रख देले था, ठीक है। और 2500 वर्ष पहले यानी कि 2500 वर्ष पहले जो है यहीं पे जो है गौतम बुद्ध भी जो है हो सकता है कि आए और यहीं पे जो है उन्होंने अपना ज्ञान हासिल किया, ऐसा जो है लेखक बताते हैं। फिर कहते हैं कि वह सुंदरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि आदमी जैसा करता है वो वैसा ही भोगता भी है। इस लाइन का कहने का अर्थ है कि चंपारण पहले सुंदर था नदी के कारण, जंगलों के कारण, वन के कारण। अब कहेंगे सर आप वन और जंगल का नाम काहे ले रहे हैं, दोनों में फर्क है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो हमनी के लेखन में जानते हैं कि जंगल वन एक ही होता है, लेकिन हायर लेवल में आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका कहने का मतलब है आप जैसा करते हैं आपको जो है फिर वैसा भोगना ही होता है। तो अगर जंगल हम लोग काट रहे हैं तो इसका असर ई पर रहा है कि हम लोगों को जो है प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, ये लेखक कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि चंपारण जो है अगर इसके बारे में आप सुने होंगे तो 12वीं सदी का है कि मतलब 1300 से स्टार्ट होता है, 12वीं सदी में कर्नाट वंश का जो है चंपारण में राज चलता था, कर्नाट वंश का राज चलता था। कर्नाट वंश के पहले राजा जो थे जिसका नाम था नान्यदेव और उनके सेनापति विक्रमादित्य यहाँ पे जो है नेपाल और मगध में मैथिली में जो है घूमने आए थे। कर्नाट वंश के प्रथम राजा नान्यदेव और सेनापति विक्रमादित्य जो है नेपाल और मैथिली में जो है घूमने आए थे और घूमते घूमते जो है आए वो और यहाँ पे जो है बस गए। तो उसी समय से जो है चंपारण में कर्नाट वंश का जो है राज चलने लगा। लेकिन 1325 में एगो ग्यासुद्दीन तुगलक नाम का जो है एगो अंग्रेज आया, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। आ इका किया कि कर्नाट के राजा उस समय 1325 में हरि सिंह देव था। फिर से तनी समझिएगा, चंपारण में 12वीं सदी से जो है कर्नाट वंश के राज्य चलता था आ उ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। तो 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक नामक जो है एगो आया लड़े वाला व्यक्ति जो का करता था तो राजा के हरा के उस जगह के हड़प लेता था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जब आया तो कर्नाट वंश के राजा उस समय थे हरि सिंह देव। तो हरि सिंह देव से जो है ग्यासुद्दीन तुगलक जो है लड़ाई करना शुरू किया तो उस समय चंपारण में जो है बड़ा बड़ा जंगल होता था, बड़ा बड़ा पेड़ होता था उस जंगल में, और उसमें जो है छुप छुप के लड़ाई करते थे। तो जैसे ही ग्यासुद्दीन तुगलक जो है एगो पेड़ को काटता है तो उसमें छुपे ग्यासुद्दीन तुगलक के साथी जो हैं हरि सिंह देव के जो है जितने भी सैनिक थे सबको मार गिराता है
और आखिरकार हरि सिंह को जो है अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ता है। आ हरि सिंह जाके जो है नेपाल में बस जाता है या ग्यासुद्दीन तुगलक जो है फिर यहाँ पे राज करने लगता है। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक जब राज करने लगा तो कहा जाता है कि उसी समय से जो है यहाँ पे जंगल धीरे धीरे कटते गया, मतलब कि लड़ाई झगड़ा में जो जंगल कट गया तो उसी समय से धीरे धीरे यहाँ पे जंगल कटता गया और पूरा जंगल जो है धीरे धीरे कट गया। ठीक है, और कटने से क्या हुआ कि यहाँ पे लोग जो है खेती करना शुरू कर दिए, क्योंकि जंगल पहले था तो जंगल के कारण वहाँ की धरती उपजाऊ हो गई थी। आज जब जंगल कटा तो यहाँ की धरती उपजाऊ हुई तो लोग जो है यहाँ पे खेती करना उसी समय से शुरू कर दिए। कहा जाता है, लेखक कहते हैं कि कहा जाता है कि अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे खेती करवाने के लिए, कहाँ पे, चंपारण में खेती करवाने के लिए अनेक जातियों को लेकर आए, अनेक जाति अनेक जनजाति के लोगों को लेकर आए, जैसे में थारू जाति को लेकर आए और धांगर जनजाति को। ये दोनों जो है जनजाति है। थारू जो जाति है वो कहती है कि हम आदिवासी नहीं हैं। थारू का मतलब होता है राजस्थान में एगो थार होता है, थार शब्द से ही उत्पत्ति हुआ है थारू। तो थारू जनजातियाँ कहती है कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग यहाँ पे आए और इनसे जो है अंग्रेज खेती करवाएं। उसके बाद जो है 18वीं सदी में नील की खेती करने के लिए जो है काची लाया गया, तो धांगर जाति को लाया गया। कहाँ से लाया गया, तो छोटा नागपुर पठार से लाया गया। छोटा नागपुर जो है बिहार के दक्षिण में है। फिर से सुनिए, थारू और धांगर जनजाति को जो है चंपारण में खेती करने के लिए अंग्रेज लाए थे। थारू अपने आप को कहते हैं कि हम जो हैं आदिवासी नहीं हैं, हम राजस्थान के निवासी हैं, जहाँ जो थार का मतलब थारू होता है, तो थार शब्द से थारू का उत्पत्ति हुआ है। और 18वीं सदी में जो है एगो धांगर जनजाति को लाता है। आ धांगर का अर्थ होता है भारे का मजदूर। आ इसको कब लाया गया, 18वीं सदी में लाया गया। काहे ला लाया गया, तो नील की खेती करने के लिए लाया गया था। कहाँ से लाया गया, तो छोटा नागपुर पठार से लेकर आया था। छोटा नागपुर पठार जो है बिहार के दक्षिण में है। अब उसके बाद जो है वो तीसरी जनजाति आई जो भुइया जनजाति थी। ये भुइया जनजाति जो है बिहार हिमालय से आई थी और ये भी जो है यहाँ पे खेती करने के लिए ही अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो ऐसे अनेक जातियों को अंग्रेजों ने लाया और चंपारण में जो है खेती करवाने का काम किया। और ज़्यादातर ये अंग्रेज जो हैं लोगों से क्या करवाते थे, तो नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती में जो है तीनकठिया प्रणाली जो है पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तीनकठिया प्रणाली कहने का मतलब एक बीघा, मतलब कि 20 कट्ठा। 20 कट्ठा अगर आप खेती कर रहे हैं तो ओकरा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती आपको करना जरूरी है, और नहीं तो आपको जो है लतियाया जाएगा। ये जो है अंग्रेज का कहना था जनजातियों से। ठीक है, आगे जब ये लेखक जाते हैं तो लेखक कहते हैं कि ये सब जनजातियाँ आई और वहाँ के जो है किसानों को काफ़ी, तो वहाँ के उपजाऊ ज़मीन का जो है फायदा उठाई, और उपजाऊ ज़मीन का फायदा उठाकर जो है वहाँ को जो है किसानी करें और लोगों को जो है दिए। तीनकठिया प्रणाली काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस थी। ठीक है, आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि इन जनजातियों के बारे में मेरे को जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि आखिर ये धांगर जनजाति कैसे रहते हैं, भुइया जनजाति कैसे रहते हैं और थारू जनजाति जो हैं कैसे रहते हैं। तो ये जो हैं अपन आदमी से कहते हैं चंपारण में जाके कि हमको जो है एगो देहाती प्रदर्शनी देखना है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, लेखक के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद एगो देहाती प्रदर्शनी लगाया जाता है। प्रदर्शनी मतलब कि समारोह किया जाता है। उस प्रदर्शनी में देखा जाता है कि जो धांगर जनजातियाँ हैं
वो जो है ईका बोलते हैं, तो सीक के जो है का बना रही है तो टोकरी बना रही है। देखिएगा हमनी के घरे भी जो है सीक के टोकरी बनता है जिसको अलग अलग रंग से रंगा जाता है। ये ज़्यादातर आप देखिएगा जब हमनी के घरे शादी ब्याह होता है तो मटकोर के समय जो है उस टोकरी का उपयोग किया जाता है जो सीक से बनल रहता है और अलग अलग रंग से जो है रंगल जाता है। आज भी हमारे घरे है जेकरा में जो है सामान रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, ठीक है। तो धांगर जनजातियाँ जो है वो सीक के बनी हुई दौरियों का उपयोग करते थे जो अलग अलग रंगों से जो है रंगा हुआ रहता था। और सबसे इंटरेस्टिंग लेखक को कब लगा, जब एगो नया वर वधु का शादी होता है तो वर जो है मतलब कि दूल्हा वो जो है खेत में काम करता है और उसकी पत्नी जो है जब पहला दिन खाना लेके जाती है तो एगो जो है कपार पे पिट्ठा रखती है। पिट्ठा मतलब जानते हैं गमछी को जो है मोड़ के आ इस पर रखा जाता है कि कपार में गरे नहीं, ठीक है। तो नया वर वधु जो है मतलब कि जो दुल्हन होती है वो अपने पति के लिए खेत में खाना ले जाती है तो एगो पहले पिट्ठा रखती है, पिट्ठा के ऊपर एगो पीढ़ा रखती है, पीढ़ा के ऊपर जो है वो टोकरी में सीक के टोकरी में खाना भर के और उस टोकरी को रखती है आ दोनों हाथ से धर के जो है मटक मटक के चलती है। तो पूरा गांव के लोग जान जाता है कि एगो दुल्हन जो है अपने पति के लिए जो है खाना लेकर जा रही है। आ ई जो है सबसे इंटरेस्टिंग लगा लेखक को इस कहानी में। उसके बाद जो है देखते हैं कि एगो और जनजाति हैं जो शाम के समय जैसे ही होता है, जैसे कि थारू जनजाति शाम के समय जब होता है तो ये लोग जो है नाचना गाना शुरू कर देते हैं। आ नाचना गाना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में नाचते हैं, जैसे कि नेपाली लोग हाथ में हाथ धर के नाचता है सब टांग आगे पीछे करके वैसे नाचते हैं। आ उसके बीच बीच में जो है एगो लड़का कोनो हिरन बन के आ रहा है तो कोनो शेर बन के आ रहा है, वैसे जो है ये प्रदर्शनी हुआ। तो लेखक जाने कि चंपारण जो है बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे अनेक प्रकार की जनजातियाँ आई और ये सब कलाएँ जो है अद्भुत थी जो चंपारण को एक खास जगह बनाने में जो है मदद कर रही थी, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि 19वीं सदी में जो है नील की खेती होना और तेजी हो गया, काहे कि अंग्रेजों को और इसकी आवश्यकता पड़ गई तो उसके लिए जो है ये मजदूरों पे जो है अंग्रेज और अत्याचार करना शुरू कर दिए और तीन कठिया प्रणाली लगाएं कि तीन कट्ठा नील के खेती आपको करेला है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इहे अंग्रेज में से एगो नाम था एमन साहब, आ एमन साहब जो है अमोलवा के कोठी के साहब था, अमोलवा एगो कोठी था जेकरा में अंग्रेज रहता था तो ओकर में एगो साहब था जेकर नाम था एमन साहब। ये एमन साहब इतना तेगला था कि कोनो के बिना मतलब के धर के मारे लगता था, कोनो के बिना मतलब के जेल में डाल देता था, कोनो के बिना मतलब के जो है घर जला देता था, झोपड़ी जला देता था। ये जो है पूरा अंग्रेज में सबसे जो है तेगला आदमी था एमन साहब, ठीक है। और एमन साहब जो है इससे बड़ी आदमी डरता था, आई जो है बड़ी अत्याचार व्यक्तियों पे करता भी था। ये इतना अत्याचार करता था कि अगर कोनो के अगर घरे शादी है तो ये कहता था कि पहले हमरा यहाँ तोरा खाना भेजना होगा या नजराना भेजना होगा तब तोर घरे शादी होगा। अगर ये हाथी खरीदता था तो ये जो है कहता था कि सब मजदूर से हम चंदा लेंगे तब हाथी खरीदेंगे। अगर एकर तबीयत खराब हो जाता था तो सब आदमी एकरा पैसा देके इलाज करवाता था, काहे कि ये जो है मजदूरों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। आ एकरा कुछ दिक्कत होके तो उस सब आदमी मिल के इसको जो है ठीक करता था जबरदस्ती, ठीक है। ऐसा नहीं कि माया दया इस पे आता था, जबरदस्ती कहता था कि हमारे तबीयत खराब है तोरा पैसा देवे ला हो, ठीक है। सिंपल सी बात था। आगे जो है एगो गंगा पुल था, ठीक है, गंगा पुल। तो गंगा पुल पर गंगा पुल का निर्माण जो है जानते हैं इहे सब के चलते नहीं हुआ।
अंग्रेज के चलते जो है गंगा पुल का निर्माण जो है गंडक नदी पे नहीं हुआ। गंडक नदी जो है चंपारण में वो नदी है, तो गंगा पुल के निर्माण आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, तो अंग्रेज के अत्याचार का जो नजराना था वो चंपारण में तनी देर से पहुंचा, जिसके कारण गंगा पुल का निर्माण नहीं हुआ। अगर पहले होइल रहता तो अंग्रेज आवेला चंपारण पुल बनवा देता, आ पुल बनवा देता तो गंगा पुल का निर्माण हो जाता, लेकिन अंग्रेज जो है चंपारण में तनी लेट आया सब, इसी कारण जो है गंगा पुल का निर्माण नहीं हो पाया। आगे जो है 1917 के बात है, जब जनता पे पूरा अत्याचार होखे लगा तो गांधी जी जो है, गांधी जी को कहा गया कि एगो चंपारण जगह है जहाँ पे जो है जनता पे पूरा अत्याचार हो रहा है, तो आप यहाँ पे आइए और इस जगह पे जो है अंग्रेजों को, अंग्रेजों के अत्याचार से लोगों को आज़ाद करवाइए। तो गांधी जी जो है 1917 में आए, ठीक है, कहाँ आए तो चंपारण में आए। एक और बात तनी समझिए, जैसे ही जो है गांधी जी आए तो गांधी जी को बुलाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ल नामक एगो व्यक्ति बुलाया था। आई जो भी गांधी जी जहाँ आए थे, जौन आदमी इनको बुलाया था, जौन जौन आदमी से ही मिले थे, वहाँ पे एक दिन लेखक को जाने का मौका मिला, उस जगह को जानने का उन्हें मौका मिला। तो लेखक अपने आप को भाग्यशाली भी समझता है कि गांधी जी जहाँ काम किए, जहाँ आए, उनके साथ जो लोग काम किए, उनसे मिलने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। तो लेखक वहाँ पे जाता है तो लेखक को राजकुमार शुक्ल भी से भी जो है मुलाकात होता है, जो गांधी जी को बुलाए थे। लेकिन जो है 1930 में जो है ये राजकुमार शुक्ल के जो है मृत्यु हो जाता है। फिर भी जो है वहाँ अन्य व्यक्ति भी थे जिससे जो है इनकी मुलाकात होती है, अब मुलाकात होती है तो गांधी जी के बारे में अनेकों बात जो है इनको पता चलता है। तो उहे में से एगो बात पता चलता है कि जब हम लोग गांधी जी को बुलाए थे तो गांधी जी कहे थे कि चंपारण को अगर अंग्रेजों से आज़ाद करना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को जो है शिक्षित करना होगा, यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षित करना होगा, और अगर यहाँ के बच्चों को शिक्षित करना है तो यहाँ पे आश्रम विद्यालयों का स्थापना करना होगा। आश्रम विद्यालय एक ऐसी विद्यालय होती है जहाँ पे बच्चों को खाना पीना रहना और अच्छे संस्कार दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गांधी जी जो हैं चंपारण के तीन बड़े शहरों में जो है का करवाते हैं, तो आश्रम विद्यालय का स्थापना करवाते हैं। वो शहर था बरहरवा, मधुबन और भीतीहरवा। ये तीन गो जगह बरहरवा, मधुबन और भीतीहरवा में जो है आश्रम विद्यालय का गांधी जी जो है स्थापना करवाते हैं। आश्रम विद्यालय बरहरवा में जब आश्रम विद्यालय बना दिए तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए मास्टर की भी आवश्यकता होगी, तो अंग्रेज के डरे कोई मास्टर नहीं आता था। तो गांधी जी अपन सबसे बढ़िया दोस्त बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई को जो है बरहरवा विश्वविद्यालय में सेवा करने का मौका देते हैं, और उनके साथ जो है एगो देवदास गांधी भी रहते हैं बरहरवा विद्यालय में, ठीक है। दूसरा, ये जो मधुबन में विद्यालय, जो आश्रम विद्यालय स्थापना किए थे, तो मधुबन शहर में नरहरिदास पारिख व्यक्ति का नाम था, और उसके पत्नी को जो है कहते हैं कि मधुबन विश्वविद्यालय, मधुबन में जो आश्रम विद्यालय बनाए हैं उसको देखभाल कीजिए, और इसके साथ जो है वो नहादेव देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, महादेव देसाई, उसको भी कहते हैं कि मधुबन में जो आश्रम विद्यालय है वहाँ पे जाके आप सहायता कीजिए। उसके बाद जो है एगो भीतीहरवा आश्रम था, भीतीहरवा आश्रम में जो है पुंडलिक जी को सौंपा जाता है कि आप भीतीहरवा आश्रम में जो है लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, और वहाँ पे जो है अपन पत्नी को भी जो है वो छोड़ देते हैं, जेकर नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। कस्तूरबा भी जो है भीतीहरवा में ही रह के जो है लोगों की सेवा करती है और वहाँ के लोगों को जो है शिक्षित करने का काम करती है। लोग पूछें कि आखिर ये आश्रम आपका बनाने का उद्देश्य क्या है,
जैसे एगो लेटर भी अंग्रेज को लिखते हैं, अंग्रेज पूछा कि तू काहे ला ये आश्रम बनाया है, तो अंग्रेज को लेटर लिख के गांधी जी कहते हैं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जो आजकल के शिक्षा दिया जा रहा है वही शिक्षा हम जो हैं लोगों को दें। मतलब कि स्कूल में गए, हाजिरी बना, लइकन के टास्क चेक किए आ ओकरा बाद फिर एगो नया टास्क दे दिए आ घरे से बुआ पढ़ लिख के आई है बना के आई है। ऐसा शिक्षा को गांधी जी जो हैं सबसे बेकार और ख़तरनाक शिक्षा मानते हैं। शिक्षा वैसा चाहते हैं गांधी जी जिसमें संस्कार हो और सुसंस्कृत हो। मतलब कि लोग जो हैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें जो शिक्षा के साथ साथ लोगों को संस्कार दे कि अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस विद्यालय का एक ही उद्देश्य था, आश्रम विद्यालय का, कि बच्चों को या लोगों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिसमें लोग शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखें। आगे जो है, जब गांधी जी आए थे 1917 में चंपारण में, तो गांधी जी को डरे जो है लोग रहने के लिए जगह नहीं दे रहे थे, तो एगो जो है साधु संत थे जिन्होंने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे रहने के लिए जगह दिया था। काची के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे रहने के लिए गांधी जी को जगह दिया था। बाद में गांधी जी झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी में रहते भी हैं, लेकिन अंग्रेज जो है उस झोपड़ी को जला देता है। लेकिन वर्तमान में जब वहां जाइएगा आप चंपारण में, तो अब जो है खपरौल के जो है उस जगह को बना दिया गया है। ठीक है, आगे जो है पुंडलिक जी से मुलाकात होती है लेखक की, तो पुंडलिक जी बताते हैं कि एक समय के बात है, मेरे भी जो है कुटिया में एमन साहब आया था। पुंडलिक जी कहाँ था? तब भीतिहरवा के आश्रम में था। तब भीतिहरवा के आश्रम में जो है एमन साहब पहुंचा था। एमन कौन था? अंग्रेज के सबसे तेगला इंसान था। तो ये पुंडलिक जी के जो है कहाँ पहुँचा था? तब पुंडलिक जी के आश्रम में पहुंच गया था। तो आश्रम में पहुंचा था तो वहां के रीति रिवाज था कि अगर कोई अंग्रेज किसी के द्वार पर जाता है तो वो जो घोड़ा पे बैठ के जाएगा, वो घोड़ा के लगाम वो आदमी वो घर के मालिक के पकड़ के रखेला है आ अंग्रेज वो जाके आराम से बैठेगा। लेकिन पुंडलिक जी इतने निडर थे, वो कहें कि यमन जो आया है मेरे आश्रम में आएगा, हम इसके घोड़े का लगाम पकड़ने नहीं जाएंगे। आ ये निर्भीकता जो है, मतलब कि निडरपन जो है, ये गांधी जी से सीखे थे पुंडलिक जी। ठीक है, आगे कहते हैं कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करते थे। यानी जब चंपारण क्षेत्र के बारे में गांधी जी को बताया गया कि चंपारण क्षेत्र जो है यहाँ पे कि अंग्रेज जो है किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो गांधी जी पहले जो है इस जगह के बारे में पता किए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाके जो है गांधी जी इस क्षेत्र में आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन करना शुरू करते हैं। तो इससे आप का सीखें कि बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं कीजिए। आजकल के आदमी कौन है? तो आजकल के आदमी के अगर हम फलानवा कह देवे कि देखा ने तोरा चिलानवा गरियलवा है, तो वो बिना मतलबे के जाएगा ओकरा से मारपीट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आ ये गुण गांधी जी को जो है महान बनाता है। ठीक है, आगे आप कह रहे हैं, चैप्टर में कह रहे हैं लेखक कि कैसी है ये चंपारण की भूमि। इस वाक्य का कहने का मतलब है कि लेखक कह रहा है कि यही चंपारण है जहां गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, यही चंपारण है जहां पे राजा महाराजा जो है आके राज किए, यही चंपारण की यह भूमि है जहां पहले गंडक नदी होती थी और जिसे जो है नारायणी के नाम से लोग जानते थे, और यही चंपारण है जहां पहले सुंदर वन हुआ करता था, और आज जो है ये चंपारण की भूमि ऐसी हो चुकी है कि लोग इसे देखना भी नहीं पसंद करते हैं, बस कुछ कारण के वजह से कि लोग जो हैं यहाँ पे जंगलों की धीरे धीरे कटाई किए,
कटाई करने के साथ जो है, जैसे जंगल नहीं होता है तब बाढ़ तेजी से आता है, तो जंगलों का कटाई किए बाढ़ तेजी से आया और चंपारण जो है दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होता चला गया। आगे कहते हैं कि भीतिहरवा के पास में ही जो है एगो रामपुरवा गांव है, ठीक है, भीतिहरवा के पास में ही एगो रामपुरवा गांव है। रामपुरवा गांव में जो है अनेक जो है आपको स्थल पुरातत्व देखने को मिलेंगे, और जहाँ तक लेखक कहते हैं कि यहाँ पे बौद्ध स्थल भी जो हैं बहुत सारे हमें मिले, जैसे कि कुशीनगर, लौरिया, उसके बाद जो है बहुत सारे जो है बौद्ध तीर्थ स्थल इनको जो है रामपुरवा में मिला, जिससे ये सिद्ध हुआ कि गौतम बुद्ध जो है यहीं पे आके जो है ज्ञान, जैसे कि ज्ञान के लिए जो है यहाँ पे आए थे, और यहीं से जो है उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। महावीर भी थे तो यहाँ पे आए थे, और उनकी जो है कुछ जो है संकेत लेखक को वहाँ पे चंपारण में मिलता है। चंपारण में कहाँ, तो रामपुरवा में मिलता है। आगे कहते हैं कि यही गंडक, इसी क्षेत्र में एगो गंडक नदी था जिसको हम लोग नारायणी के नाम से जानते थे, जिसका जो है विकराल रूप लोगों ने 1962 में देखा है, 1962 में जो है इसका विकराल रूप देखा है। आगे कहते हैं कि यह रामपुरवा में जो है एगो स्तूप बन रहा है, जो नहीं एगो स्तूप है जो बहुत पुराना स्तूप है, जिसकी जो है ऊंचाई लगभग 82 फीट है, और जिसका वृत्ताकार चौड़ाई जो है लगभग 1500 फीट है। एगो जो है रामपुरवा में एगो पुरातत्व स्थल है जो अंग्रेजों के काल में बनाया गया है, वो जो है 82 फीट ऊंचा है और 1500 फीट जो है वृत्ताकार चौड़ा है। आगे कहते हैं लेखक कि पंडई एगो नदी है यहाँ पे, पंडई नदी जो है ये भी जो है नदी बड़ी जो है फेमस है, और ये भी नदी जो है ना जाने कितने अपने अंदर जो है पूरा तत्व को समा के रखी है, ये चंपारण की भूमि जो है अच्छी तरह से जानती है। गंडक नदी जो है जब बाढ़ आई तो इसमें जो है दो गो ताल का उत्पन्न होता है, दो गो ताल मतलब कि दो गो किनारे का जो है उत्पत्ति होता है, एगो किनारे का नाम रखा जाता है चौर और एगो के मन, यानी एगो चौर ताल कहलाता है आ एगो जो है मन ताल कहलाता है। ताल मतलब कि नदी के किनारे, ठीक है। तो चौर ताल किसे कहते हैं, चौर ताल जो होता है उठल रहता है, जेकरा में सर्दी और गर्मी में सर्दी और बरसात में थोड़ा थोड़ा पानी लगल रहता है, लेकिन ये मन जो ताल होता है ये बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है, इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। चौर का है तो तनी मानी उबड़ खाबड़ है, जेकरा में सर्दी और बरसात में तनी तनी पानी रहता है, लेकिन मन जो ताल है वो बहुत गहरा है, विशाल है, जिसमें सालों भर पानी रहता है। आ इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो गंडक नदी में आने वाली बाढ़ के कारण जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे लेखक कहते हैं कि इसी के तरह चौर और मन के तरह भी ही जो है एगो ताल है जिसका नाम है सरैया मान। सरैया मान ताल जो है लगभग बेतिया से 4 मील जो है दूर है, बेतिया से 4 मील दूर है सरैया मान ताल। आई सरैया मान ताल जो है बिल्कुल पुराने चंपारण क्षेत्र जैसा है, चारों तरफ जंगल, बीच में नदी, आ नदी के बीच में जो है नाव चलता है, आ नाव पे जो है लोग जो हैं चढ़ के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, आ जब बीच में जाते हैं पुंडलिक जी कह रहे हैं लेखक भी जो है ये नाव में बैठता है, आ ई जो है सुनहरे जो है मौसम का आनंद लेता है, चारों तरफ जंगल, बीच में नदी, नाव चल रहा है, समझिए कितना सुकून होगा वहाँ। लेखक इसी सुकून को महसूस करता है, और जब बीच में जाता है तो जो नाव चलाने वाला व्यक्ति रहता है वो कहता है कि यहाँ के पानी पीजिए, ये पानी जो है आपके स्वास्थ्य को जो है
हमेशा ठीक रखेगा। लेखक भी सोचता है कि इसके चारों तरफ जो है जामुन के पेड़ हैं और जामुन इसमें गिरने के कारण जो है ये पानी जो है शुद्ध हो गया है और बहुत दूर दूर से डॉक्टर व्यक्ति जो हैं इस पानी को मंगाते भी हैं पीने के लिए। कहाँ से? सरैया मान ताल से। ठीक है, आगे कहते हैं लेखक कि इसी चंपारण में जो है, चंपारण में एगो जो है नहर बनाया जा रहा है जो आने वाले भविष्य में लोगों की जो है मदद करेगा। आई नहर जो है हमारे देश के इंजीनियर और वैज्ञानिक के सहयोग से बन रहा है, सरकार के सहयोग से बन रहा है। आई नहर पे जो है एगो पुल भी बनेगा। ठीक है, तो ये नहर कितना दूर में बन रहा है? तो 41.49 लाख एकड़ जमीन में जो है नहर बन रहा है। कितना में? 41.49 लाख एकड़ में जो है नहर बन रहा है, जिसकी लंबाई 155 मील होगी और जिसमें खर्चा जो है लगभग 40 करोड़ आ रहा है। आई बन कहाँ रहा है? तब भैंसा लोटन एगो जगह है चंपारण में, वहाँ बन रहा है। भैंसा लोटन में एगो नहर बन रहा है जेकर जो है खर्चा 40 करोड़ है। जमीन कितना लगेगा? तो 41.49 एकड़ जमीन लगेगा और उसका लंबाई जो है 155 मील है। ठीक है, भैंसा लोटन में बन रहा है, भैंसा लोटन चंपारण में एगो जगह है। आगे कहते हैं कि धन्य है ये भूमि, यही भूमि जो है यहाँ पे वो गंडक नदी थी जिसे हम लोग कहते थे ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, यानी वो गंडक थी जिसे हम लोग इस नाम से पुकारते थे और जिसकी जो है आज चंपारण में पूरी समाप्ति हो गई है। लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियरों के सहयोग से एगो नहर बन रहा है जो हो सकता है कि इस नदी के जो है क्षति को जो है पूरा कर सके, यानी कि इस नदी के जगह को ले सके और लोगों को सुकून जो है दे सके। यहीं पे जो है यह पूरी एकांकी जो है खत्म होती थी। अब बताइए कि ये बात जो है कौन सा ही चैप्टर में ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया। हम लोग हिंदी जो है इसी प्रकार से पढ़ते हैं और आपकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं जिससे आपको जो है हिंदी समझने में आसानी होखे। अगर आप इस चैप्टर के जो है नोट्स चाहते हैं, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या टेस्ट सीरीज हो, तो आप अपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SGS क्लासेस। आ ई एप्लीकेशन पे जो है हिंदी के कोर्स बड़ी सस्ता है, मात्र 199 में जो है आपको सब कुछ दिया जाता है जो हिंदी में 100 लाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आप यह वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।